हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत वीक रह गया है और आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मैं आज की वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिनको फॉलो करने के बाद में आपको इसमें कॉन्फिडेंस आने लगेगा, प्लस आपके उसके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ मटेरियल की ज़रूरत होगी, वो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपको उसे किस तरह से यूज़ करना है, जिससे कि आप उससे मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ। बेसिकली जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, उस चैप्टर के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को हमें क्लियर करना होता है और ऑब्वियसली उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो टीचर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से फ्री यूट्यूब चैनल्स हैं उनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है केमिस्ट्री के अंदर। अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक चैप्टर के अंदर कितने कॉन्सेप्ट्स हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आपको इजीली बताता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स एंड बायोलॉजी के लिए हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है नीट के लिए जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं वो हैं एनसीईआरटी की बुक्स, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अंदर दिए गए सारे के सारे क्वेश्चंस उस चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट 90% कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेते हैं, और एक एक्सरसाइज के अंदर लिमिटेड अमाउंट में क्वेश्चंस हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स जानने का और उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये जानने का। और एक बात मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन एक्सरसाइज के अंदर आपको वैरायटी कवर नहीं हो पाएगी, यानी कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कितनी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस तरह से वो सिचुएशन को चेंज कर सकता है, वो आप जान नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बुक को सॉल्व करना ही पड़ेगा या किसी कोचिंग का मटेरियल लगाना ही पड़ेगा। सो गाइस, इस मेथड के थ्रू आप ये जान पाएंगे कि एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट और उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए एंड उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रू, या आपके पास कोई एमसीक्यू बुक है उसके थ्रू आप जितने चाहें उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और एनसीईआरटी केमिस्ट्री 11th और 12th दोनों के फुल सॉल्यूशन के पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिखाई देगा, आप वहाँ से जाकर के उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के लिए आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन जो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ उसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इन सॉल्यूशंस को किस तरह से फॉलो करना है। आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, आप चाहे किसी टीचर से पढ़ें या आप खुद सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ें, उसके बाद आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अंदर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं सॉल्व होता है तो आप उसका सॉल्यूशन देखिए और देखिए उसमें किस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई किया गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। गाइस, ट्रस्ट मी, अगर आपने एक चैप्टर की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर लिया एक बार, तो आपको उस चैप्टर के अंदर 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये बात पर्सनली मैंने इंप्लीमेंट की है और मुझे डेफिनेटली हुआ है। और केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता दूं कि आपको एनसीईआरटी की थ्योरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फिजिकल के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, और आप एक्सरसाइजेस फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों की कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एक्सरसाइजेस के अंदर जो डिफिकल्ट वैल्यू होती हैं उन्हें हटा करके इजी न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करके बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं नीट एग्जाम में। आप 2020 का या फिर उससे प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करके देखेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो एनसीईआरटी की किताब में दिए गए हैं, लेकिन उनका फॉर्मेट चेंज है, यानी कि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो गाइस, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो गाइस, इस मेथड को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, ताकि बाकी लोग सीखें। गाइस, एनसीईआरटी के अलावा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी क्वेश्चंस नीट के लेवल के ही होते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, उन्हें आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस हैं उनके आने के चांसेस रहते हैं नीट एग्ज़ाम के अंदर। थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, वैल्यूज चेंज होती हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पलर करने के बाद में आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद में आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस सेल्फ सफिशिएंट होगा नीट एग्ज़ाम को अच्छी रैंक के साथ क्लियर करने के लिए। यही सिक्वेंस आप फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप में से कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो इस मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। एज वेल एज अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, बुक्स चाहिए, तो उनके पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अवेलेबल करा रखे हैं, आप डिफरेंट प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हैं। सो गाइस, इस चैनल से अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिएगा और हमारी इस फैमिली को बढ़ाने में हमारी हेल्प कीजिए।
So please subscribe this channel and like this video and share this video, and thank you so much for watching guys. Best of luck.